नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, रिश्ते में लव होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते की सिचुएशन क्या है, आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं वो जानना चाहिए, आपकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से वर्गो हो, यानी कन्या राशि हो, और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 जनवरी तक की, 16 से लेके 22 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, देख लेते हैं वर्गो की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वर्गो की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और एक बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स के साथ मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये बंदा या बंदी जो भी है, फोर ऑफ सोर्ड्स के मूड में है। बंदा रात को सो नहीं पा रहा है, नींद खराब है उनका, उनको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो सोच रहे हैं ये कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या वही बचे थे इस पूरे दुनिया में ऐसा होने के लिए। उनको लगता है कि किसी ने उनको धोखा दिया है, उनके साथ फ्रॉड किया है, परेशान है बंदा। ये पूरा दिन सही रहता है, जब सोने जाता है रात को तो परेशान हो जाता है, नींद खराब करके रखा है बंदे ने, और भगवान को ये कह रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। इस तरीके की करंट फीलिंग्स है। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, मुझे लगता है इस बंदे ने कभी आपको इग्नोर किया था या फिर इन्होंने आपको इग्नोर किया है। तो ये जो पर्सन है ये अपने सर पे बहुत सारा बर्डन लेके घूम रहा है, बंदा या बंदी। एक तो इनके काम के बोझ, टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप खुद ही देख लो, काम के बोझ, रिश्ते की बोझ, पारिवारिक एक जो दायित्व होता है उसका बोझ। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपने इनको इग्नोर किया या फिर इन्होंने आपको इग्नोर किया, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो अभी ये बंदा अगर आपको छोड़ के कहीं और गया था, वहां से इनको इग्नोरेंस मिला, बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहा था बंदा, वहां से इनको इग्नोरेंस मिला, या फिर आपकी किसी बातों से बंदा बहुत ज्यादा दुखी है कि आपने उनको ऐसा कहा वैसा कहा। इस बात में जो भी बात आपने कहा होगा उसमें अच्छी बात भी थी, लेकिन उनको उस अच्छी बात दिखाई नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप हमेशा उनको ऐसी बातें बोलते हो जो दिल को लगता है। देखो, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, जो सही चीज है ये नजर घुमा भी नहीं रहा है। नजर घुमा के अगर पीछे देखे तो ये आप ही को पाएगा, लेकिन वो उस तरफ नहीं देख रहा है। सामने देखो, तीन कप गिरे हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं, जो गलत है वो उस पर देख रहा है, जो सही है
हर बात में हर पूरी बात गलत नहीं होता है, कुछ सही भी होता है। बंदा उस सही को नहीं ना देख के उस गलत को देख रहा है और ये सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसी क्यों परिस्थिति मिल जाता है, ये वगैरह वगैरह ये वो सोच के बंदा दुखी है, परेशान है। वर्गो आपके पर्सन, अभी हम देखेंगे वर्गो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्शन लेने के मूड में हो, आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। आप जो हो, आप हमेशा मतलब परेशानी से जूझना आपको आता है और आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि पिछले बातों को, गुजरे बातों को याद ना करके आगे बढ़ना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप एक्शन लेना चाहते हो अपने रिश्ते में, अपनी लाइफ में, हर तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 जनवरी तक की। 16 से लेके 22 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप पूरे डिटेल्स के साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें वर्गो, तो देखेंगे कि एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। हम एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसे से रिलेटेड कुछ नया कुछ शुरू करना चाहते हो, कुछ नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस, कुछ भी। और साथ ही साथ आप ये सोच रहे हो कि ये जो रिश्ता है, ये कुंडली मिला के बनाया हुआ है, आप इनको अपना सोलमेट मानते हो, इसीलिए आप रिश्ते में भी एक्शन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो रिश्ते में भी और अपने लाइफ में भी। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये टू ऑफ कप्स जो है, ये सोलमेट वाला कार्ड है, ये आपको पता है अगर आप लोग रीडिंग सुनते हो तो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, आपकी कुंडली में ये बंदा या बंदी थी और इसीलिए ये आपके लाइफ में आ गया है। और आप इस रिश्ते को सोलमेट वाला रिश्ता तो समझते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइफ में। अभी हम देखेंगे कि टू ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज बोथ कार्ड्स आर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिश्ते में, आप इनके साथ शादी, परिवार, बच्चा सब कुछ चाहते हो, लेकिन बगैर स्टेबिलिटी के कुछ नहीं चाहते हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, ये सोलमेट का रिश्ता है, ये आपको पता है। कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग्स भी है आप लोगों की रिश्ते में, लेकिन कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, आप अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बगैर आप कुछ नहीं करना चाहते हो। तभी ये सब पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते को नहीं चाहते हो, आप अपने लाइफ में रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पता है। आप अपने गोल को पहले अचीव करना चाहते हो और बाद में एक स्टेबल रिश्ता, स्टेबल परिवार आपके लाइफ में आए, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये आपकी करंट फीलिंग्स है और आपकी पर्सन की, वो बंदा समझ नहीं रहा है। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है वो ऐसा सोच रहा है और आप नहीं समझ रहे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी किसके साथ मैच कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, किसी सजिटेरियस के साथ, कोई कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं।
देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अरे यार ये तो रोने धोने में बिजी है, नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, ये रात को सो नहीं पा रहा है, रो रहा है, इनको लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है, ये वो, जितना खराब रिश्ता है नहीं, बंदा सोच सोच के इसे खराब बनाता जा रहा है। कार्ड उनके तरफ से आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वही सोच रहे, ये आप भी सोच सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो ये इस परेशानी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कहीं ना कहीं रह रह के पूरा दिन अगर ये गुजार भी ले, रात को जब बंदा सोने जाता है, बंदा या बंदी, इनको ये लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ बहुत बड़ा चीट हुआ है, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों और कोई नहीं है दुनिया में, इस तरीके का सोच है बंदे की। हालांकि इतनी खराब हालत तो है नहीं, लेकिन ये सोच सोच के इसे खराब बना रहा है, ये आप भी हो सकते हो। अभी हम देखेंगे नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों बंदा इतना परेशान है। द हारोफेंट, अगर हम नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आने का क्या कारण है, नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। वर्गो, नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हो। देख लेते हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। द हायरोफेंट, डेथ एंड किंग ऑफ वांड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आपका रिश्ता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, डेथ के कार्ड आ गए। ये बंदा कभी कभी ये समझने लगा है, लगेगा इन दिनों जो दिन आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते क्या है, मैं इसमें कहा मैंने, उनको लगेगा ये रिश्ता खत्म है। लेकिन जब भी कोई चीज खत्म होता है तो नया कुछ शुरू होता है ना, तो ये बंदा या बंदी भगवान पर सब कुछ छोड़ देगा, स्पिरिट ऊपर छोड़ देगा, एंजल के ऊपर छोड़ देगा। इनको लगेगा चलो मुझसे, मैं तो थक गया या थक गई हूँ, ये रिश्ता मेरे तरफ से खत्म है, अभी भगवान जो करेगा वो देखा जाएगा, जो मेरे किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे इस बेकार की बातों से नहीं खुद को उलझना है, मेरी नींद खराब हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रहा है, मैं परेशान हूँ लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है, अभी भगवान जो करेंगे, अल्लाह गॉड जो करेंगे वही होगा, मैं कुछ से और कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ अपने पर ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी, इस तरीके का सोच उनका रहेगा आने वाले दिनों में। जैसे कि वो क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ तो ये यही चाहते हैं कि परेशानी बहुत हुआ, ये परेशानी खत्म हो जाए, खत्म करते हैं रिश्ता मेरे तरफ से, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद की ध्यान रखना चाहिए, और जो चीज़ जो होगा वो देखा जाएगा, ऊपर वाला जो करेंगे, भगवान जो करेंगे मेरे लिए, मुझे वो मंजूर है। अभी हम देखेंगे वर्गो आप क्या चाहते हो, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो वर्गो और आपकी पर्सन की नहीं है, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, क्योंकि टॉरस और कैप्रिकॉन के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं और वर्गो का कार्ड, तो वर्गो आप खुद ही हो और वर्गो का भी कार्ड आ चुका है, तो आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, कोई जमीनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, 12 के 12 राशि, क्योंकि मेजर अर्कना के ऑलरेडी दो दो कार्ड्स आ चुके हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हो, बहुत दिनों से जो आपको मिलना चाहिए इस तरीके का कोई गुड न्यूज, आप उसका इंतजार कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आप बहुत शांति से, ठहराव से आप किसी गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो गुड न्यूज आपके लिए आएगा, तो आप वो गुड न्यूज फिनेंस से रिलेटेड होगा, तो इस तरीके का कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रही भी रहे हो आप और खुद को हील भी कर रहे हो। अभी हम देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो हम ये देखेंगे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने तरफ से पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देना चाहते हो, आप चाहते हो आप लाइफ में स्टेबल बन जाओ, सेटल हो जाओ आप। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्या आता है आपके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखो आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कारण आप, हो सकता है आप अपनी पर्सन को समझा नहीं पाते हो, या फिर वो समझते नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो, या फिर आपको समझने की कोशिश भी बंदा नहीं करता है। इसीलिए आप में ठहराव आ गया है, आप रुके हुए हो, आप हील कर रहे हो खुद को, और आप कहीं ना कहीं परेशानी चाहते भी नहीं हो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हो। आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, अपने खुद को किस तरीके से आप स्टेबल बना सकते हो फिनेंशियली, आप खुद को एक ग्रोइंग पर्सन बनाना चाहते हो। आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, कोई गुड न्यूज़ का, कोई डिसीशन लेने का, और आप इंतज़ार करोगे इन दिनों। आपको और थोड़ा हो सकता है इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आप किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आप इंतज़ार करोगे। आप जैसा कि मैंने कहा, किसी फिनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, या कहीं अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वहाँ से, कोई जॉब के सिलसिले में, कोई बिजनेस के सिलसिले में, कोई कहीं ऐसा कोई डिसीजन जो आपने पेंडिंग रखा है, उस डिसीजन लेने का आप बेसब्री से इंतज़ार करोगे। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप उस ऑप्शन को नहीं देखोगे। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप कहीं बाहर जाने के बारे में भी सोच सकते हो, जैसे कि आप कहीं विदेश जाना, घर से बाहर जाना, जॉब के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आप उससे भी बेटर ऑप्शन के तलाश कर रहे हो और इंतज़ार भी करोगे इन दिनों। और रिश्ते के लिए, आप फिलहाल के लिए, आपको पता है ये सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये गॉड मेड रिश्ता है, तो आप अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स पर आप बहुत ज़्यादा काम करोगे। आप फिलहाल अपने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दोगे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी तरफ से, उनके लिए क्या गाइडेंस है, रिश्ते की आउटकम्स क्या हो सकता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स के साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 16 से लेके 22 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। 16 से लेके 22 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। 16 से लेके 22 तारीख तक की जो वक्त है, मून के कार्ड आए हैं, ये आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, लेकिन एक बात अद्भुत है, ये कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब आप लोग ना दुखी रहोगे, ना परेशान रहोगे, ना कोई चिंता इस तरीके से करोगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जैसा कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स है, वो पूरा उल्टा हो जाएगा, ये चिंता करना छोड़ देंगे और आप तो छोड़ ही दोगे, तो आप दुखी नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे, आप लोगों की परेशानी नहीं रहेगी रिश्ते में, ये बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं मून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, जैसे कि आप लोगों में कि अननोन फेयर्स था, ये वो कुछ भी अगर ऐसा था तो वो कुछ नहीं रहेगा, आप लोग धीरे धीरे समझदार बन जाओगे और अपने माइंड को कंट्रोल करना आप लोग सीख जाओगे। देख लेते हैं मून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो मून के कार्ड क्यों आए हैं, ये बहुत अच्छा आउटकम है। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड की कॉन्सलेशन, अगर परेशानी चल रहा था आप लोगों में,
तो रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। जब भी मून के कार्ड रिवर्स में आया है तब भी मुझे लगा कि ये दुख दर्द सब चले जाएंगे, जो परेशानी है रिश्ते में वो चला जाएगा। अगर ये सीधा आता तो मैं ये कहती कि आप लोगों की रिश्ते में परेशानी आ सकता है, आप लोग दुखी हो सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि ये रिवर्स में आया है। तो साथ ही साथ देखो, इसको जब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो क्या आया है, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड, रिकॉन्सिलेशन के कार्ड, दुख जब कम हो जाएंगे तब रिश्ते सही हो जाएंगे, जब एक दूसरे को समझने लगोगे तब रिश्ता सही हो जाएगा। देख लेते हैं सिक्स ऑफ कप्स मून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देख लेते हैं क्या आता है। मून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्या आता है। मून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्या आता है। ये सब पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड जो भी परेशानी अगर रिश्ते में चल रहा था वो तो खत्म होगा ही होगा, और जो चीज आप करने के बारे में सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे, हो सकता है उसमें आपको कोई रास्ता मिल जाए और अपने आप के लिए आप सोचना शुरू कर दोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, इसके मतलब ये नहीं कि आप दोनों ही दूसरे के बारे में गलत सोचोगे, गलत सोचते हो, किसी की बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं, लेकिन आप लोग अपने अपने बारे में सोचने लग जाओगे और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, नई शुरुआत हो जाएगी रिश्ते में। अगर किसी भी तरीके का परेशानी चल रहा था तो वो परेशानी खत्म हो जाएगा, आप एक दूसरे के करीब आ जाओगे और रिश्ते में एक अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, जैसे कि नई शुरुआत हो जाएगी रिश्ते में। जो चल रहा था, जो परेशानी चल रहे थे, वो कुछ भी परेशानी नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप लोगों की समझदारी से आप लोग रिश्ते को आगे ले पाओगे, ले जा पाओगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप लोगों को रिश्ते के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्ड आप खुद ही देख लो, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स। आपको रिश्ते के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी वर्गो, और साथ ही साथ आपको एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी मिलना है मेहनत से मिलना है, चाहे प्यार हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको उसके लिए मेहनत जारी रखनी पड़ेगी और एक बहुत हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है जो अभी के लिए आपके लिए कठिन लग रहा है वो बाद में जाके आपको अच्छा परिणाम दे, और आपका अगर एनर्जी, अगर आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करो थोड़ा, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड दो दो बार आए हैं, ये सब कप्स के कार्ड। आपका अगर इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, खास करके लव लाइफ में, लव लाइफ में जिनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है उनको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी इमोशन को बचा के रखे, हो सकता है बाद में इसकी जरूरत पड़े। अगर आप अभी बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो मिलने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, शादी के लिए, ये वो जो भी हो रहा है, आपको थोड़ा खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को लेके एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा जो अभी के लिए आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बाद में जाके यही डिसीजन आपके लिए सही साबित होगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना आपको छोड़ना नहीं है, अगर आप मेहनत करते जाओ और मेहनत का जो परिणाम है वो आपको अच्छे से मिलेगा, यूनिवर्स आपको वो परिणाम जरूर देगा। लेकिन अगर आप मेहनत करना छोड़ देते हो सकता है आपने पूरा मेहनत किया, अंत में आके जहां आपको और थोड़ा मेहनत करना चाहिए था, धक्का लगाना चाहिए था, तब आपने थक के रुक गए, नहीं मुझे और नहीं करना है, तभी हो सकता है आपका टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ का, कुछ भी रिश्ते में हो, जॉब में हो, जिनका
परेशानी चल रहा है, रिश्ता सही नहीं जा रहा है, उनको भी पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य से काम लेना पड़ेगा और यूनिवर्स पर पूरा फेथ रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवरफ्लो नहीं होने देना है। कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ये आप लोगों को पता है, अति कुछ अच्छा नहीं होता है। आप किसी से बहुत प्यार करते हो, अगर हमेशा आप उनको ये जताते रहना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो आपकी जो कमजोरी है उसका फायदा उठाएगा। अगर आप कोई चीज़ बहुत मांग रहे हो, बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, तो यूनिवर्स आपको परीक्षाएं देंगी कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसीलिए हर चीज़ में एकमात्र मेहनत जो है उसको आपको जारी रखनी है और किसी चीज़ को इस तरीके से ना मांगो जो आपके हक में है, लेकिन मांगने से वो खराब हो रहा है। मतलब इमोशन, आप अगर ओवर इमोशनल हो जाते हो तो ये आपके लिए परेशानी लाएगा। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हो, क्योंकि देखो आप खुद ही देखो, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मेहनत आपको जारी रखनी पड़ेगी और सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा अपने फ्यूचर को लेके, इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।